पाकिस्तान और फतेहाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में 10-10 सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स लैब तैयार करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। रूट्स फाउंडेशन की तरफ से हुंडई से अपना बैकअप देने का काम करेगी। इन 10 सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरीके से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें सुविधाएं दी जा सकती है, रूट्स फाउंडेशन तमाम इंतजाम पूरे करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हुंडई के ऑपरेशनल हेड इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, पुनीत आनंद इस वक्त हमारे साथ है। सर मुझे ये बताइए कि किस तरह की ये पूरी कवायद है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर सामने आ जाएं, इसको लेकर किस तरह की सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बड़ी बात है कि हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से हमने आज ये स्पोर्ट्स लैब की शुरुआत की है, जिसे हम हरियाणा राज्य में 20 स्कूलों में हम एक प्रशिक्षण जो है अपने स्पोर्ट्स का ये हम अपने छात्रों को देंगे, ताकि आने वाले टाइम पे ये जो छात्र 8वीं से लेके 11वीं तक की कक्षा के हैं जो कि अपने फ्यूचर की तरफ एक कदम रखने जा रहे हैं वो एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ जाए। क्योंकि आप देखिए कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, करीब करीब 140 करोड़ की आबादी है, और उस 140 करोड़ की आबादी में अगर हम अच्छे एक नागरिक को, एक अच्छे शक्तिशाली और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को हम बना सके तो मुझे लगता है कि हमारा जो दायित्व है वो देश की तरफ पूरा होगा। तो इसलिए आज हमने स्पोर्ट्स लैब हरियाणा से शुरू किया है, क्योंकि हरियाणा राज्य एक वो राज्य है जिसने हमारे देश को बड़े गोल्ड मेडल दिलवाए, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल दिलवाए, ओलंपिक्स में मेडल दिलवाए, एशियाड में मेडल दिलवाए, तो ये मेडलों की तादाद बढ़े, हमारा हरियाणा राज्य जो है एक मॉडल राज्य बन के रहे और हमारा देश जो है, भारत देश जो है एक मॉडल देश बन के रहे, इसके लिए हमने स्पोर्ट्स लैब की शुरुआत की है। और आज हमने ODM कॉलेज हिसार से हमने इसका शुरुआत किया और अब हम अगले 20 स्कूलों में हम इसके बीच में जाएंगे, ताकि पूरे देश में और पूरे राज्यों में हम इस चीज को एक तरह से एक मैसेज दे सके अपनी युवा पीढ़ी को कि प्लीज आप आइए, स्पोर्ट्स को अपनाइए और स्पोर्ट्स के थ्रू एक अच्छा शिक्षण, एक अच्छा स्वस्थ शरीर और एक अच्छा स्वस्थ परिवार पाइए। और इसके बाद हम 20 स्कूल और पंजाब में भी लेंगे, जिससे हमारा टोटल स्पोर्ट्स लैब है 40 स्कूल और 4000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में पूरा कामयाब होगा। एक साल का हमारा ये पूरा टारगेट है। सुविधाओं के लिए आज से समझने की कोशिश करें तो इस स्पोर्ट्स लैब के जरिए किस तरह की खेल सुविधाएं स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाई? हमने कुछ जो ऐसे ऐसे जैसे योगा हो गया, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन सबके हम इक्विपमेंट्स इनको देंगे ताकि ये अपने आप को एक तरह से ट्रेन कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन कर सकें। और उस जब आप अपने आप को ट्रेनिंग अच्छी देंगे, अच्छे कोचिज के थ्रू ट्रेनिंग देंगे, तो आपको एक टेक्निक बनेगी, उस टेक्निक के थ्रू अपने जो स्किल को है और अच्छा कर सकेंगे। और आने वाले टाइम पे हमारा जो हरियाणा राज्य के ये जो छात्र छात्राएं हैं ये इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ताकि ये बड़े से बड़े मेडल जीते और हमारे देश को गौरवित करें। इक्विपमेंट्स के अलावा क्या कोचिंग की सुविधा भी आप उपलब्ध करवाएं? हमने हर क्या किया है, जैसे आपको बताया कि 20 स्कूल अगर हमारे हरियाणा राज्य में होंगे, उस 20 स्कूलों में हमारे 10 कोच होंगे, एक कोच दो स्कूल को सपोर्ट करेगा और उन दो स्कूलों में वो जाके ट्रेनिंग देगा, और ये सब कोच भी हैं जो ट्रेन्ड कोच होंगे, ताकि आपने देखा कि आज हमारे स्टेज पे कुछ कोचेज भी आए थे जिनको हमने सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया है, तो ये कोच अब वापस जब अपने कॉलेजों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, तो वहां पर जाके बच्चों को ट्रेन करेंगे और एक उनको अच्छा स्पोर्ट्स में एक शिक्षण देंगे, ताकि वो स्किल के साथ बढ़ के आए। चलिए, खेल के क्षेत्र में ज्यादा सुविधाएं अब उपलब्ध करवाई जाएंगी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को। रूट्स फाउंडेशन और हुंडई की तरफ से ना सिर्फ कोचिंग बल्कि तमाम वो इक्विपमेंट्स, तमाम वो जरूरी साजो सामान उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में ये तमाम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे अपनी जो प्रतिभा है उसे निखार सकें। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।